चलिए अब देखते हैं विपक्ष के नहले पर प्रधानमंत्री मोदी के दहले का विश्लेषण, क्योंकि बड़ा सवाल था मणिपुर। आपने हमारी चर्चाओं में भी सुना होगा कि मणिपुर के विषय पर हर वक्ता हर प्रवक्ता जरूर सवाल पूछता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब दिया। 11,000 FIR, 500 से ज्यादा गिरफ्तारी। गृह मंत्री ने वहां रहकर हालात की समीक्षा करी और देश के पहले गृह मंत्री थे जो लगातार उन्होंने 3 दिन बिताए, और देश के गृह राज्य मंत्री ने तो कई हफ्ते बिताए मणिपुर के अंदर। ये सत्य और तथ्य पर आधारित है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला, आग में घी डालने वाला विपक्ष अपनी हरकतें बंद करे। मणिपुर एक टिपिकल सिचुएशन है, वो एक नॉर्मल हिंसा नहीं है, हम सब जानते हैं। नीट का मुद्दा, जो कि स्टूडेंट्स और युवाओं का मुद्दा है, जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, प्रधानमंत्री मोदी ने उस विषय पर एक को भी उठाया। पेपर लीक कराने वालों पर को बख्शा नहीं जाएगा, स्पष्ट रूप से बोला। देश भर में अरेस्ट चल रही है, जो कि फैक्ट है, गिरफ्तारियां चल रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, यानी एक्शन में है। देखिए, एक वारदात हो गई, उसके बाद एक्शन में सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो। संविधान पर, संविधान के प्रति लेकर कूदने वाले संविधान दिवस का विरोध कर चुके हैं, और ये बात संविधान दिवस का विरोध कर चुके हैं, ये बड़ी बात है। अग्निवीर के ऊपर, हमारे देश की सेना युवा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अमेरिका यूएसए को भी देखेंगे तो वहां पर क्या एज लिमिट है और हमारे यहां क्या है। सेना को युद्ध लायक बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं, सेना को मजबूत करने के वक्त कांग्रेस झूठ फैला रही है। अग्निवीर के मुद्दे पर जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने बोली वो थोड़ी अनफैक्चुअल थी, कि कुछ नहीं मिलता जबकि 1 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे हिंदू पर, क्योंकि राहुल गांधी का सबसे बड़ा विवादित बयान था कि हिंदू हिंसक है, जो कि जिस पर प्रधानमंत्री को भी इंटरवीन करना पड़ा। हिंदू समाज का अपमान संयोग है या फिर प्रयोग? हिंदू आतंकवाद को गढ़ने की कोशिश की गई, वो भी कांग्रेस का शासन था, याद करिए, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। संस्कृति परंपरा का मजाक उड़ाना फैशन बन गया है। देखिए, आज के युग के अंदर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति को की तरफ झुक रही है, योग की तरफ झुक रही है। हम जिस तरह से खान पान, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, उसकी तरफ झुक रही है, और हम अपनी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। बड़ा सवाल क्या है,